ग्वालियर में वन कर्मियों को आदिवासियों द्वारा दौड़ा दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया है। इसमें दो वन कर्मी घायल हुए हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वे वन अमले के कर्मचारी जंगल में वृक्षारोपण के लिए भूमि तैयार करने गए थे। ये घटना वन चौकी बीट रायपुर के जंगलों में हुई है। ग्वालियर में वन चौकी रायपुर के जंगल में पौधारोपण करने पहुंचे वन अमले पर आदिवासियों ने हमला बोल दिया। शहरी आदिवासी लोगों ने चारों ओर से घेर कर वन कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना रायपुर जंगल में सोनरेखा नदी के किनारे की है। हमले में दो वनकर्मी घायल हो गए। हमले के दौरान दोनों ने भागकर जान बचाई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग निकले। पुलिस ने घायल वनकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। थाना पनियार में जो है वन विभाग के द्वारा एक कंप्लेंट की गई है कि उनके स्वर्ण रेखा नदी के किनारे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में फॉरेस्ट को प्लांटेशन के लिए आदेशित किया गया था। तो वन विभाग द्वारा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ग्राम कांसेर में गड्ढे खोदे जा रहे थे प्लांटेशन के लिए। तो वहाँ पर जो रहने वाले ट्राइबल हैं उन लोगों ने आके आपत्ति करी कि हमारे पास ये पट्टे की ज़मीन है। इस बात पर से उनका विवाद हुआ वन रक्षकों से, फॉरेस्ट गार्डों से। तो उस बात पर से उन्होंने पत्थरबाजी और मारपीट करी तो दो वन रक्षक घायल हो गए थे। दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उनकी रिपोर्ट पर से जो है धारा 353 186 व अन्य धाराओं में तीन लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।